अच्छा, हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो है वेब डिजाइनिंग वर्सेस वेब डेवलपमेंट। काफी सारे लोग इसको समझते हैं कि यार ये वेब डिजाइनिंग जो है वो वेब डेवलपमेंट एक ही चीज का नाम है, ये एक ही चीज का नाम नहीं है, इसमें फर्क है। और वो फर्क क्या है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। यार ये जो वेब डिजाइनिंग है ना, ये अगर आप ये समझते हो ना कि मैंने HTML CSS सीख लिया और मुझसे अच्छी अच्छी वेबसाइट नहीं बन रही तो यार मैं पता नहीं क्या, ये आपका काम नहीं है। ये वेब डिजाइनिंग काम किसका है? ग्राफिक डिजाइनिंग वालों का, वो जो PDF में जनरेट करके देते हैं लेआउट वगैरह, और इस तरह से लेआउट जनरेट करते हैं। ठीक है, लेआउट से मुराद के वेबसाइट का नेविगेशन बार इस तरह से होगा, वेब पेज इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो ये उनकी फील्ड है, वेब डिजाइनिंग उनकी फील्ड है, उन्होंने डिजाइन क्रिएट करना होता है। यू आर नॉट ए डिजाइनर, यू आर ए वेब डिवेलपर, राइट? तो आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम सीखना तो वो वेब डिजाइनिंग फिर आप उसमें कर सकते हो। आप उसमें टेम्पलेट्स करके दोगे, आप उनमें कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसा डिस्प्ले हो रहा है, एवरीथिंग आप उसमें करोगे। तो वेब डिजाइनिंग जस्ट रेलिवेंट टू डिजाइन, और जब डिजाइन की बात होगी तो फिर उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज होंगे। आप अडोब इलस्ट्रेटर को यूज करके वेबसाइट का मॉकअप बना रहे हो, आप अडोब XD को यूज करके एक वेबसाइट का वो एक मोबाइल ऐप का बना रहे हो, तो ये हमारी वेब डिजाइनिंग उस तरफ आ जाएगी। वेब डेवलपर का काम होता है, आपको ये मॉकअप मिलता है, मॉकअप को देखते हुए आपने वेबसाइट को बनाना होता है। लाइक उसने कहा कि यार यहाँ पे एक लेआउट है, उसने कहा कि यार यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए, यहाँ पे एक नैव बार चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे फुटर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए। तो अब ये डिज़ाइन बनाना मेरा काम नहीं था, इसने मुझे एक पिक्चर सेंड की कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए। मैंने उस पिक्चर को देखा और मैंने अपनी HTML CSS के जरिए उसे बना दिया। तो ये वेब डेवलपमेंट है। डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में फर्क नजर आ गया। डिजाइनिंग क्या करती है, आपको ये बनाना सिखाती है कैसे आपने एक वेब पेज वो डिजाइन बनाना है और वो कैसे। डेवलपर क्या करता है, उस पिक्चर को देखता है, उसे बनाना शुरू कर देता है। अब आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा, इन पे आप जाके डिजाइन दे सकते हो। सबसे पहले आपने वेबसाइट सर्च कर लेनी है WW, या आपने अपनी मोटिवेशन के लिए अभी से करना है। अगर आप अभी भी पढ़े हो आपको पता हो कि डिजाइन किस तरह के बनते हैं, dribbble.com, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है काफी सारे डिजाइन, dribbble.com, इस पे बहुत ज्यादा डिजाइन है। ठीक है, आप डिजाइन की सेंस यहाँ से ले सकते हो। किसी ने मॉकअप बनाया होगा, आपने वो मॉकअप को उठाना है और अपनी HTML CSS के जरिए से बनाने की कोशिश करनी है। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है behance.com। ये मतलब कि दो वेबसाइट्स हैं जो मुझे बड़ी पर्सनली बड़ी अच्छी लगती हैं, जो मैं जब मैं डिज़ाइनिंग को देखना चाहता हूँ तो मैं इन वेबसाइट पे आके देखता हूँ कि यार नेविगेशन बार कैसी अच्छी होती है। तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ नेविगेशन बार आ जाती हैं, हम उनमें से कोई एक डिज़ाइन उठा के और फिर कहते हैं यार इस तरह का नेविगेशन बार मुझे चाहिए। तो वो तो ये डिज़ाइनिंग के लिए आप ये देखना। बाकी वेब डेवलपमेंट हम लोग जब पढ़ेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो उसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टॉप।